हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग जनवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिए, क्योंकि जो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँगा उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 31, कह रहा है भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी और सी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। आपको 3 कथन दिए गए हैं जो शरद ऋतु से संबंधित हैं कि नहीं हैं, ये आपको पढ़ करके समझ करके बताना है। चलिए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। देखिए, मानसून शब्द आया है तो ये वर्षा ऋतु से संबंधित हो जाएगा, गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। शरद ऋतु में ऐसा नहीं होता है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत है। तो ए, बी और सी आपके तीनों के तीनों कथन जो हैं गलत हैं। ये तीनों कथन जो हैं वो शरद ऋतु से संबंधित नहीं हैं, ठीक है, वो वर्षा ऋतु से संबंधित कथन हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं आपको ये बताना है। तो 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। कौन सी दो नदियाँ हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर वायुमंडल की जो परत है उस परत को आपको पहचानना है और पहचान करके उसका सही जवाब आपको बताना है। 33 का राइट जवाब देना है। कह रहा, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में मैंने ये सवाल करवाया था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में बताया था वहाँ। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो ये आपका मध्यमंडल है। कौन सा मंडल है, मध्यमंडल है, जहाँ उल्का पिंड जल जाते हैं और जैसे जैसे ऊंचाई पर आप बढ़ते जाएंगे तापमान घटता जाता है। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 पर, और देखते हैं 34 का राइट जवाब क्या होगा। आत्मपन का संबंध किससे है आपको बताना है, जल्दी से जवाब देना है। आत्मपन का संबंध, देखिए तपन किसके अंदर होगी, आप यही बता दो, आत्मपन अपने आप आपको आ जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए, जो तपन होती है वो सूर्य के अंदर होती है, तो सूर्य ऊर्जा से इसका डायरेक्ट संबंध होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे थोड़े थोड़े किसी किसी क्वेश्चन में आपको ट्रिक बेस चलना पड़ेगा, ट्रिक आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान करें, बताइए। शंकुधारी वन का मिलान आप किससे करेंगे, 35 का राइट जवाब देना है। देखिए, जो आपका शंकुधारी वन है उसको आप किससे मिलाएंगे, तो वो नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। पहला का तीसरा किस ऑप्शन में है, तो ये देखिए दूसरे और तीसरे में है, तो पहला आपका गलत हो गया और चौथा गलत हो गया। अब हमें दूसरे और तीसरे में चेक करना है कौन सा राइट जवाब है, बी पर चलते हैं। कह रहा है भूमध्य सागरीय वनस्पति कौन सी होती है, जो है ये चौथा, महाद्वीपों का पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारा, ये
चौथा आपका, तो बी का चार किसमें है, इसमें, तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका इसी से क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है और आंसर आपका निकल करके आ जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। दो कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ना है, समझना है, जो सही आपको लगे वो जवाब देना है। चलिए, कह रहा है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं, बिल्कुल सही है, दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए राइट जवाब हो जाएगा ए और बी, दोनों आपके सही हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37 पर, और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी कथन पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ये तीनों के तीनों कथन डॉल्फिन से संबंधित हैं, कौन सही है कौन गलत है आपको पढ़ करके जवाब देना है। 37 का, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है, बिल्कुल सत्य है, यहाँ आलवण जल लिखा है, ध्यान रखिएगा। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन मिल रहा है और दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के आलवण जल। डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में है। तीसरा भी क्वेश्चन मिलेगा, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है किसकी उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, तो डॉल्फिन। ए बी और सी तीनों आपके सही हैं, इसलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 38 पर चलते हैं, कह रहा है बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किनका मिश्रण है। 38 का राइट जवाब दीजिए, तो बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। किसका है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, याद रखिएगा। चलिए 39 पर चलते हैं, फिर आपको दो कथन दिए गए हैं, संसाधन के बारे में ए और बी पर विचार करके उत्तर देना है। अर्थात ये जो कथन दिए गए हैं दोनों संसाधन से संबंधित हैं, इनको पढ़िए कि ये संसाधन से संबंधित लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसी के अनुसार अपना जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, बताइए भैया क्या ये सही है गलत है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए गलत बी सही आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और 40 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान आपको करना है और 40 का राइट जवाब देना है। तो देखिए, आपका एक तो खनिज तेल है, एक प्राकृतिक गैस है, एक ईंधन है, ठीक है, कोयला नहीं है, जल विद्युत वाला भी नहीं होगा, परमाणु ऊर्जा वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन वाला, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 41 पर, और 41 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिसको भी आता हो वो हमसे पहले अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दे देगा, तो मैं ये समझ जाऊँगा
कि उसने मुझसे पहले ही आंसर बता दिया है। चलिए 41 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। वर्गीकरण का आधार संसाधन के प्रकार। विकास या प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव्य है। पहला का ए ही होगा तो बाकी सब में ए का 2 है, 3 है, 4 है तो गलत हो जाएगा। ए का 1 है वही सही हो जाएगा, बाकी और मिला दे रहे हैं। उद्गम क्या हो जाएगा, जैव और अजैव हो जाएगा। अगला कह रहा है वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक है, और भंडार नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो 41 का राइट जवाब आपका पहला वाला हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कह रहा है कथन ए, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। क्या ये कथन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, बिल्कुल सही है। ए और बी तो सही है, लेकिन ए का बी से, बी का ए से कोई भी सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात ए जो है, ए का कारण बी नहीं हो सकता है, इसीलिए चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 43 का आपको राइट जवाब देना है और बताना है कौन सा सही है। वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं पुरास्थल कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये केवल जमीन के ऊपर पर, देखिए केवल शब्द जहां आएगा वैसे भी वो उत्तर गलत हो जाएगा, ये केवल जमीन के अंदर ये भी गलत हो जाएगा, ये समुद्र और नदी तल में कभी नहीं पाए जाते, बिल्कुल गलत है, पाए जाते हैं। तो आपका केवल ए राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं 44 का क्या होगा। चलिए 44 का राइट जवाब आपको देना है क्या होगा। जल्दी से जिसको आता है वो 44 का आंसर कमेंट करके दे देगा। चलिए कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, आपको 44 का राइट जवाब देना है। पत्थर की मुहर बनाते थे, बिल्कुल सही है। पीले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र नहीं भैया, वो काले रंग से, किससे? काले रंग से डिज़ाइन किए गए पात्र बनाते थे, पीले नहीं। लोहे से बनी तकलियां गलत है, लोहे से कोई तकली नहीं बनाते थे। सोने से बने बर्तन, हाँ सोने से बने बर्तन कह सकते हैं बनाते थे। तो 44 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, केवल ए और डी आपका सही है। चलिए 45 पर चलते हैं और 45 का राइट जवाब देखते हैं। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकाल के अवशेष थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु आपको क्या क्या चीज़ें देखना होगा। तो 45 का राइट जवाब आपको जल्दी से देना है। चलिए हड्डियों की संरचना बिल्कुल ठीक है, कंकाल के साथ मिले आभूषण से आप नहीं पता लगा सकते, कंकाल के आकार से भी आप नहीं पता लगा सकते, कंकाल के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से भी आप नहीं जो है पहचान सकते। उनकी हड्डियों की संरचना और हड्डियों में भी कूल्हों से, हमारी एनसीईआरटी में बताया गया महिलाओं के जो कूल्हे होते थे वो थोड़ा कैसे होते थे, चवड़े होते थे, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा। तो इससे हम जो है बड़ी आसानी से पहचान लेते थे। तो आपका केवल ए राइट जवाब हो जाएगा 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं और 46 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में आपको सजाना है। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े, ये याद रखिएगा।
आरोही का मतलब क्या होता है बाबू? छोटे से बड़े क्रम में आपको सेट करना है, तो मतलब सबसे पहले कौन घटा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो 46 का राइट जवाब दीजिए, जिसको आ रहा हो वो जल्दी से कमेंट करके हमें जवाब दे सकता है। चलिए चलते हैं 46 पर और 46 का राइट जवाब देखते हैं। वेदों की रचना की शुरुआत, ठीक है। वेदों के बाद महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, बिल्कुल ठीक है। इनाम गांव में कृषकों का विकास, बिल्कुल ठीक है। फिर चरक, तो ये कह सकते हैं ए बी सी डी ये हमारे क्रम से ही दिए गए हैं, तो आपका पहला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं और 47 का राइट जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम, उल्टा अर्थात बड़े से छोटे क्रम में आपको सजाना है, 47 का राइट जवाब देना है। चलिए, तो कह रहा है पहला, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, अरिकमेडु पत्तन में बसना, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। सबसे बाद में जो हुआ है वो सबसे पहले आएगा, तो 47 का आपका राइट जवाब क्या होगा, सबसे बाद में अरिकमेडु पत्तन बसा तो ये पहले आएगा, उसके बाद संगम साहित्य की रचना शुरू हुई, उसके बाद लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, फिर उपमहाद्वीप में लोहे की शुरुआत। तो सी डी ए बी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और 48 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। आप लोग भी कमेंट करते चलिए जिसको आता हो, ठीक है। चलिए, कह रहा है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, तो 48 का पहला आपका सही है। चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, बिल्कुल सही है। लेकिन ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का स्पष्टीकरण बी नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है 49 क्या कह रहा है, कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे, गलत है। जरूरी नहीं कि सारे लोग सहमत हो, 49 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 50 पर और 50 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, क्या ये सही है? तो ये गलत है। 50 का ए अर्थात ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, सही है। ए गलत, बी सही, आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं और 51 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, जिसको आता है वो जल्दी से कमेंट कर सकता है। 51 पर चलते हैं और 51 का सही जवाब देखते हैं क्या होगा। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, बिल्कुल सही है। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं, बी भी सही है। और ए और बी, जो ए का कारण बी है, तो आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर और 52 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया, 52 का राइट जवाब दीजिए।
तो क्या ये सही है, ए वाला गलत है। बी कह रहा है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था, बिल्कुल बी सही है। तो ए गलत और बी सही हो जाएगा, तो 52 का दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। जिसको आता है वो कमेंट कर देगा। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर के 1857 की बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थित रातोंरात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी, बी भी सही है और ए ने वी को सुनिश्चित किया है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, जो गलत है उसका आपको जवाब देना है। तो पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, ये सही है तो गलत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। किसने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया था? रमाबाई ने। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी सही है तो गलत हो जाएगा। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, बिल्कुल सही है, गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये गलत है और यही आपका राइट जवाब हो जाएगा, आपसे गलत पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर चलते हैं। 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? 55 का राइट जवाब जल्दी से कमेंट करके दे दीजिए क्या होगा। तो ये पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, याद रखिएगा। चलिए 56 पर चलते हैं और 56 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें और 56 का राइट जवाब दें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सही सूचना पहुंचानी चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। कह रहा है इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए, गलत है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, सही है। तो केवल ए और सी आपके सही हो जाएंगे। 57 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण, ठीक है, का उदाहरण नहीं है, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइप। अब आपको 57 का राइट जवाब देना है। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलते हुए, बिल्कुल आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर। दिए गए लक्षण ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करिए और सही जवाब दीजिए। तो 58 का राइट जवाब क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। 58 का कह रहा है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं क्या होगा? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। घटती जाती है, गलत है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता है, गलत है। अगला वाला भी गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं और 60 का जवाब देखते हैं क्या होगा। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो 60 का जवाब क्या होता। प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ठीक है। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता, गलत है। तो 60 का राइट जवाब आपका पहला हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमने आज 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। ये जो 30 क्वेश्चन हमने आपको करवाए, आप लोग ईमानदारी से कमेंट करिए,
और कमेंट करके हमें ये बताने का प्रयास करिए इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन का सही सही जो है उत्तर आप समझ पाए हैं, ठीक है, जो आपको आते थे। देखिए अगला 30 क्वेश्चन जो है वो आपको कल की वीडियो में मिलेगा, बहुत आराम से समझते हुए धीरे धीरे आपको ले चलेंगे, ठीक है। जो है आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, पेपर में कैसे प्रश्नों को हल करना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।